उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के नगर पालिका कम्युनिटी हॉल में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करके स्वाति सिंह का सम्मान किया एवं उनके साथ में दयाशंकर सिंह भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद थे। स्वाति सिंह ने कहा कि सबसे पहले उनकी प्राथमिकता रहेगी कि महिलाओं को घर से बाहर निकलकर वोट डालने के लिए प्रेरित करना है। आप खुद देखिए कि आप किस सरकार में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। जिस तरीके से मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए निकाली हैं, वो उनके बारे में उनको जागरूक करना चाहती हैं। गांव की महिलाओं को सबसे बड़ी योजना उज्ज्वला योजना के बारे में जानकारी नहीं है और उन्हें वो उनके बारे में बताना चाहती हैं। सपा के लोग जान गए हैं कि बीजेपी सरकार आने वाली है। 2 महीने से लड़ाई चल रही है, तब कहीं जाके बीजेपी का नाम आया। आज जब सब कुछ खत्म होने की कगार पर है, तब वो बीजेपी नाम ले रहे हैं। सपा के लोग अपने ही घर में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले तो मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि इलेक्शन में सारी महिलाओं को घर से बाहर निकलना, कि आप भी अपने वोट की कीमत समझिए और घर से बाहर निकलकर आप वोट डालिए, डालने जरूर जाइए और किसी के कहने पर नहीं। आप खुद देखिए कि किसकी सरकार में आप सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे और उनको आप वोट दीजिए। तो सबसे पहले तो ये मेरा रहेगा। और जिस तरीके से मोदी जी ने जो बहुत सारी योजनाएं जो महिलाओं से संबंधित हैं उनके बारे में मैं उनको जागरूक करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक जो गाँव की महिलाएं हैं उनको इनके बारे में पता ही नहीं था। जो सबसे बड़ी जो योजना है उज्ज्वला योजना, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे उनको बताना है। आज जब पार्टी बिल्कुल टूट गई है तब वो लोग ये बात कह रहे हैं, तब बीजेपी के ऊपर कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ये डर गए हैं कि बीजेपी की सरकार आने वाली है। आज 2 महीने से लड़ाई चल रही है, तब तो कहीं बीजेपी का नाम नहीं आया। आज जब सब कुछ खत्म होने के कगार पे है तब वो बीजेपी का नाम ले रहे हैं। सच्चाई ये है कि वो लोग अपने घर में ही वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। और कहीं ना कहीं वो बीजेपी पे सिर्फ दोषारोपण कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और ये आम जनता भी जानती है कि ये 2 महीने से ये जो खेल हो रहा है वो कैसा खेल है, क्या है, और बीजेपी पे दोषारोपण कर रहे हैं ये लोग, गलत दोषारोपण है। देखिए मेरा तो अपना ये मानना है, जब मेरा वाला भी केस हुआ था तो उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने या सपा के लोगों ने कहा था कि बीजेपी और बसपा अभी राखी आ जाएगी तो दोनों लोगों का ठीक हो जाएगा। तो ये लोग इस तरीके से बोलते रहते हैं, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि उस बातों का क्या असर होगा या उसका क्या रिजल्ट होगा। इन्हें उससे मतलब नहीं है, उन्हें कुछ भी बोलना है तो वो बोलते रहते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की ओर से मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट।